हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो रीट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों, सिलेबस आपका जो है जारी हो चुका है। सामाजिक अध्ययन लेवल सेकंड की बात मैं कर रही हूँ, जहाँ पर आप कक्षा 6 से लेकर 8 तक के जो हैं शिक्षक बनोगे। तो कुल प्रश्न आपके 60 आएंगे, कुल आपके 60 अंक होंगे। तो 60 में से 57-58 मार्क्स तक आप ले सकते हो। कैसे ले सकते हो, कौन सी बुक जो है वो पढ़ोगे जिससे कि आपके आसानी से ये मार्क्स आ जाएं, क्योंकि बच्चों के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि आरबीएससी की बुक पढ़े या एनसीईआरटी की पढ़े। पहले तो बच्चों को यही नहीं पता है आरबीएससी की बुक जो है वो कौन सी है, एनसीईआरटी की कौन सी है। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये चीज़ जो है वो आप अच्छे से समझिए। इससे पहले जो आपकी बुक चल रही थी वो थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स, ठीक है। तो इस बुक में आपका जो है इंडिया की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब इसमें आ जाता था। इन बुक्स में आपका सभी आ जाता था। इन बुक्स को पढ़ के आप सामाजिक अध्ययन का जो पेपर है बहुत आसानी से क्लियर कर सकते थे। बच्चों ने 57-58 मार्क्स तक लिए भी हैं। अब जो वर्तमान में 2021-22 की जो पाठ्य पुस्तक जो चल रही है स्कूल में, जिनको आप क्या बोलते हो, एनसीईआरटी बोलते हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी जो है वो पूरे राजस्थान में लागू हो गई है, ठीक है। अब इस एनसीईआरटी के साथ साथ जो है अभी स्कूल में एक और बुक जो है चल रही है, और जो कि राजस्थान की है, यानी जिसमें आपको राजस्थान का जीके जो है वह आपको मिलता है, ठीक है। तो वही बात हो गई, जहां यहां हम जो है कंप्लीट देख रहे थे एक ही बुक में था, राजस्थान का जीके भी इसी में था, उसी बुक को इन्होंने क्या कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। राजस्थान के जीके की अलग बुक कर दी है, और दूसरी जो बुक सेंट्रल लेवल पर चल रही है एनसीईआरटी, वही यहां पर लागू कर दी है, ठीक है। फैक्ट जो है वो आपको आरबीएससी में बहुत ज्यादा मिल रहे थे, वहीं पर इसका कुछ हिस्सा जो है यहां पर चला गया राजस्थान जीके की किताबों में। हमने जो है बुक्स पढ़ी 6, 7, 8 की, हमारा राजस्थान की, उसके बाद राजस्थान की शौर्य परंपरा जो 9th क्लास की बुक है, ठीक है, और हमने अभी 10th क्लास की जो बुक है स्टार्ट कर दी है, जो कौन सी है, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर। तो वो यही बुक है जो वर्तमान में 2021-22 की है। अभी मैं आपको फ्रंट जो है वो उसका दिखा दूंगी, जिससे कि डाउट क्लियर हो जाएगा आपका कि आप पुरानी बुक नहीं पढ़ रहे हो, आप नई बुक को ही पढ़ रहे हो। और ये राजस्थान की जो बुक है, इसको पढ़ाने का मेरा उद्देश्य पहले से ही ये रहा है कि आगे जो भी एग्जाम होंगे वहां पर राजस्थान का जीके जो है वो थोड़ा सा और बढ़ाकर पूछा जाएगा। इसीलिए राजस्थान के जीके की जो अलग बुक है वो मैंने आपका पाठ्यक्रम आने से पहले ही स्टार्ट करवा दी थी, क्योंकि सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम होगा तब भी आपको ये बुक जो है वो पढ़नी होगी। इसीलिए बच्चों ने जो है पीडीएफ बहुत अच्छे तरीके से इनको खरीदा है और लर्न करना भी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। कुछ बच्चों ने यूट्यूब से भी नोट किया है, बुक्स जो है उससे भी नोट्स बनाए हैं। अभी हमने ये वाली बुक को नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब इस बुक में क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो कहानियां होती हैं, कहानियों के माध्यम से जो है उनको समझाया गया है। बुक में आपको चित्र वगैरह बहुत मिलते हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता यदि आप एनसीईआरटी में आप पढ़ते हो, आरबीएससी में भी आपने पढ़ी है, सेम ही है। जबकि एनसीईआरटी में आपको फैक्ट तो बहुत बहुत कम मिलेंगे, आपको फैक्ट नहीं मिलेंगे, और आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको फैक्ट चाहिए। हालांकि बच्चों की डिमांड पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन जिन बच्चों ने आरबीएससी के नोट्स ले लिए हैं, पीडीएफ ले ली है, तो वो पूरा सिलेबस कवर हो जाता है उनका। साथ में ये राजस्थान की बुक जो अभी चल रही है 2021-22 में, ये आपने कर ली है, लास्ट 10th जो क्लास है वो आपकी स्टार्ट करवा दी है, ठीक है, कुछ भी नहीं छूट रहा है आपका। पीडीएफ जो बच्चे आरबीएससी की अब ले रहे हैं या ले ली है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन में ना रहें, आपने पूरा कवर कर लिया है। अभी देखिए, मैं आपको आरबीएससी के चैप्टर दिखाऊंगी, जिससे आपका सिलेबस और भी ज़्यादा पता चलेगा। एनसीईआरटी का जो ये जो बुक है, ये बस आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, अन्यथा मैं आपको ये नहीं करवाती, क्योंकि आप पढ़ चुके हो। और ये जो दूसरी बुक है इसके साथ में ही, जो कि अभी वर्तमान में चल रही है 2021-22 में, राजस्थान का जीके, जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यह आरबीएससी में जो था इसको अलग से इन्होंने बुक जो है वो यहाँ पर लागू कर दी है। ये कंफ्यूजन आपका, मेरे ख्याल से अब आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एनसीईआरटी पढ़ें या आरबीएससी पढ़ें। जिन्होंने आरबीएससी पढ़ ली है उसकी रिवीजन करें, साथ में ये जो राजस्थान की बुक अभी जो चल रही है इसकी आप रिवीजन करें।
तो आप जो है वो और भी ज़्यादा महारत हासिल कर लेते हैं एसएसटी में, ठीक है। एनसीईआरटी जो है अब आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर राजस्थान का ये जो जीके की बुक है जो कि अभी वर्तमान में चल रही है 2021-22 में, तो यहाँ पर देखिए आपकी ये यूनिट है राजस्थान का भूगोल संसाधन, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला एवं संस्कृति। ये तीनों के तीनों यूनिट आपकी उसी बुक में है जो कि मैंने आपको पढ़ा दी है। चलिए वहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये आपकी जो 6 क्लास है हमारा राजस्थान क्लास 6। तो यहाँ पर देखिए राज्य सरकार के निर्णय अनुसार कक्षा 6 से 8 के लिए राज्य में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें राज्य के समस्त विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 से लागू की जा रही है। यानी 21-20 में भी आपकी यही बुक चल रही है हमारा राजस्थान की, ठीक है। तो ये कौन सी बुक है? ये एनसीईआरटी ही है, और इसके साथ में अलग से है जिसमें राजस्थान का जीके है तो इसको आरबीएससी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्लास 6 है जिसके चैप्टर देखिए राजस्थान का एक परिचय, राजस्थान का इतिहास, इतिहास जानने के स्रोत, प्राचीन सभ्यता स्थल आपको पढ़ना ही है, ठीक है। और ये जो देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, ठीक है, राजस्थान का भौतिक स्वरूप पढ़ना पड़ेगा आपको, जल संसाधन, आजीविका के क्षेत्र, राजस्थान के आधारभूत सेवाएं, लोक संस्कृति एवं कला। ये आपकी 6 क्लास है। तो आपको यहाँ पर ये आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, इस चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं। बाकी ये सभी चैप्टर जो हैं जो कि आपको कहाँ मिलेंगे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये हैं। ये देखिए 7th क्लास है आपकी हमारा राजस्थान की। अब देखिए हमारा राजस्थान की जो 7th क्लास की बुक है उसमें देखिए वन्य वन्य जीव संरक्षण, ये आपके टॉपिक सिलेबस में है। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन है, कृषि सिंचाई है, कृषि विपणन है, व्यापार है, राजस्थान के शासक हैं, ठीक है। आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान ये भी पढ़ना है आपको। इसके बाद आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक आर्थिक सुधार, 9th देखिए संविधान का निर्माण कैसे हुआ, राजस्थान का क्या योगदान रहा, आपको पढ़ना ही है, ठीक है। 10th चैप्टर जो है वो आप छोड़ सकते हो। तो ये 7th क्लास का जो है आपके चैप्टर हैं जिनको आप पढ़ोगे। ये देखिए 8th क्लास के चैप्टर आप देखिए 18वीं सदी का राजस्थान पढ़ना है आपको। 1857 की जो क्रांति है बिल्कुल सिलेबस में है। आधुनिक राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, राजस्थान का एकीकरण ये आपको पढ़ना है। जनसंख्या, उद्योग, परिवहन, पर्यटन ये ज्योग्राफी के चैप्टर हैं। विकास योजनाएं, जन जागरण, सामाजिक सुधार, ग्रामीण शहरी प्रशासन, राजस्थान में कला एवं संस्कृति। अब देखिए इसीलिए मैंने आपको चैप्टर जो है वो पढ़ाए हैं और इनके क्वेश्चन आंसर करवाए हैं। तो चलिए अब हम 9th क्लास के चैप्टर भी देखेंगे। तो ये 9th क्लास की बुक है राजस्थान की, एनसीईआरटी की, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा, ठीक है। इसमें 1857 की क्रांति पूरी आपकी आ जाएगी, राजस्थान के क्रांतिकारी ये आपके एग्जाम में आएंगे, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन टॉपिक है आपके, जनजातीय आंदोलन है, प्रजामंडल है, ठीक है, राजस्थान का एकीकरण है, राजस्थान की शौर्य परंपरा भी है। यानी 7 चैप्टर जो है ये आपके इंपॉर्टेंट हैं 9th के भी। उसके बाद 10th क्लास को हम देखते हैं अब। तो ये आपकी 10th क्लास का फ्रंट पेज है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से, ठीक है। तो बार बार इसी चीज़ को मैं बताती भी जा रही हूँ कि जिसको आप एनसीईआरटी बोल रहे हो वर्तमान में जो चल रही है राजस्थान जीके की ये बुक है। तो चलिए इसके चैप्टर देखते हैं। ये देखिए चैप्टर राजस्थान का इतिहास है, संत लोक देवता हैं, उत्सव त्यौहार मेले हैं, वस्त्र आभूषण है, चैप्टर 5 चित्रकला लोक कलाएं हैं, ठीक है। इसके बाद लोक संगीत है, लोक नृत्य, लोक नाट्य है, राजस्थानी भाषा साहित्य है, राजस्थान के पर्यटन स्थल हैं, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व हैं। तो ये आपकी 10th क्लास है। तो फर्स्ट चैप्टर जो कि मैंने स्टार्ट कर दिया था और इसको मैंने आपको करवाया है, बच्चों ने जो है इसको देख भी लिया है, और जिन बच्चों को पीडीएफ क्वेश्चन आंसर की चाहिए तो उन्होंने ली भी है, और आगे भी जो भी लेना चाहते हैं ले, ठीक है। और बाकी जो भी नोट करना चाहते हैं नोट करें, बुक जो है मार्केट से परचेज करके पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, नोट्स बनाएं, कैसे भी आप करें। अब चलिए मैं सिलेबस की तरफ आपको लेके चलती हूँ जिससे अब आपको पता लग जाएगा कि हमने कितने चैप्टर, जो भी चैप्टर हमने यहाँ पर देखे हैं क्या वो सिलेबस में है। तो ये देखिए मैंने अभी आपको जो भी चैप्टर दिखाए उसमें राजस्थान का भौतिक प्रदेश ये आपने देखा, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो अपवाह प्रणाली, झीलें,
ठीक है, कृषि फसलें, खनिज ऊर्जा संसाधन, ठीक है, मिट्टी उसी में आ जाएगी, नहरें, नदी घाटी, परियोजनाएं, परिवहन, उद्योग, जनसंख्या, पर्यटन स्थल, वन, वन्य जीव, पूरे चैप्टर आपके उसमें आ गए ज्योग्राफी के। राजस्थान के इतिहास के हमने जो चैप्टर देखे हैं तो उसमें आपने प्राचीन सभ्यताएं, ठीक है, जो कि 6 क्लास के चैप्टर में ही हमने देख ली, जनपद भी देखे हमने उसमें था, राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें भी आ जाएगा, छोटी क्लासेस में भी था, 1857 की क्रांति का राजस्थान का योगदान, बिल्कुल चैप्टर ही यही उठाकर दे दिया, राजस्थान में प्रजामंडली, जनजातीय, किसान आंदोलन, सभी चैप्टर हैं यहाँ पर, राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, 10th क्लास का लास्ट चैप्टर जो है वो यही है, और 9th क्लास में भी आपने ये पढ़े, ठीक है। तो 2 यूनिट आपकी कवर हो गई। तीसरी देखिए, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, ये तो 10th क्लास पूरी है आपकी, जिसमें आपके दुर्ग, महल, स्मारक सब आ जाएंगे, मेले, त्योहार, लोक कलाएं, हमने अभी देख लिया था इंडेक्स में कौन कौन से चैप्टर थे, चित्रकला, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक देवता, लोक संत, लोक संगीत, संगीत वाद्य यंत्र, राजस्थान की हस्तकला, स्थापत्य कला, वेशभूषा, आभूषण, राजस्थान की भाषा एवं साहित्य, सभी आ गया। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा कि जो हम अभी बुक पढ़ रहे हैं, जो कि वर्तमान में चल रही है राजस्थान जीके की, ठीक है, जिसमें 6th, 7th, 8th हमारा राजस्थान है, और 9th क्लास में राजस्थान की शौर्य परंपरा, और 10th क्लास में राजस्थान की कला एवं संस्कृति या इतिहास एवं संस्कृति, तो ये जो है आपका पूरा, जो कि मैंने आपको करवा दिया है, YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट है, वहां पर आप चैप्टर पढ़ना चाहें चैप्टर पढ़ें, क्वेश्चन आंसर करना चाहें क्वेश्चन आंसर करें। तो ये आपका क्लियर हुआ कौन सी बुक से आपको करना है, ठीक है। उसके बाद शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे जो सेकंड, ये आपकी 2 यूनिट जो हैं आपकी शिक्षण विधियों से संबंधित, तो प्लेलिस्ट में जो है ये भी मैंने आपको करवा दी है, आप लोग देख सकते हैं, जहां पर मैंने बिल्कुल टॉपिक वाइज करवाई है, यानी सामाजिक अध्ययन की संकल्पना, प्रकृति, ये वीडियो आपको डाला गया है वहां पर प्लेलिस्ट में, देखिएगा, कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, सामाजिक अध्ययन की जो अध्यापन की समस्याएं हैं, समालोचनात्मक चिंतन का विकास है, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है, प्रेक्षा आनुभाविक साक्ष्य भी करवा दिया है, शिक्षण अधिगम सामग्री, सहायक सामग्री भी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा कि ये सभी जो है, दो जो आपकी ये जो यूनिट है ये मैंने आपको करवा दी है, तो यहां आपकी जो 5 यूनिट है ये आपकी कवर हो गई, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मैंने दे दी। अब चलिए, जो आरबीएससी की बुक आपने पढ़ी है तो उसमें कहां से आएगा वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इतिहास की बात करेंगे, भारतीय सभ्यता, संस्कृति, समाज, सिंधु घाटी सभ्यता है आपके, वैदिक संस्कृति, जैन बौद्ध धर्म और महाजनपद काल, ठीक है। उसके बाद मौर्य, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल में इसका इतिहास और प्रशासन, और भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, और भारत 600 से 1000 ईसी और 72 भारत। तीसरी यूनिट जो हिस्ट्री की है, जिसमें भक्ति सूफी आंदोलन है, मुगल राजपूत संबंध है, मुगल प्रशासन है, और भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, 1857 का विद्रोह, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947। अब मैं आपको आरबीएससी की जो पहले बुक चलती थी वहां पर मैं आपको ले चलती हूँ, और ये तीनों यूनिट जो है वो आपकी कवर होंगी। तो ये देखिए आपकी आरबीएससी की बुक है पुरानी वाली, और ये 6th क्लास है, जिसमें पहले भूगोल है, फिर सामाजिक राजनीतिक जीवन है, और तीसरा जो भाग है इसका इतिहास का है, ठीक है। तो आपकी 3 यूनिट की मैं बात कर रही हूँ, हमारा अतीत, वैदिक सभ्यता संस्कृति आपके उसमें दिया हुआ है, महाजनपदीय कालीन भारत टॉपिक है, मौर्य और गुप्तकालीन भारत ये भी है, ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये जो 4 आपके जो चैप्टर हैं ये आप पढ़ेंगे, ये 6th क्लास में से। उसके बाद 7th क्लास की तरफ चलते हैं, ये आपकी सामाजिक विज्ञान की क्लास 7th की पाठ्य पुस्तक है, जिसके मैंने आप लोगों को पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवाई है। तो यहाँ पर भी पहला जो भाग है वो भूगोल का है, दूसरी बुक जो है वो सामाजिक राजनीतिक जीवन की है। चलिए इतिहास देखिए, तो यहाँ पर ये 73 भारत आपके जो टॉपिक है ये देखिए, 73 भारत का टॉपिक बिल्कुल दिया हुआ है, ठीक है, आपको कोई सी भी बुक में नहीं मिलेगा 73 भारत जो आपको यहाँ मिल रहा है 7th क्लास की बुक में। और इसके अलावा जो है, जब हम बड़ी क्लास में पहुंचते हैं आरबीएससी की, तो वहां पर भी आपको 73 भारत का टॉपिक जो है वो 9th क्लास में शायद जो है वहां पर दिया हुआ है।
तो ये आपने देखा। उसके बाद हर्षकालीन और बाद का भारत, ये भी चैप्टर आपको पढ़ना होगा। राजस्थान और दिल्ली के सुल्तान बिल्कुल दिया हुआ है आपके। उसके बाद मुगल प्रशासन जो है, राजस्थान के राजवंश और मुगल, इनके साथ क्या संबंध रहे। कला और स्थापत्य, भक्ति सूफी आंदोलन, लोक संस्कृति। लोक संस्कृति का चैप्टर भले ही आप यहाँ पर ना पढ़ें, क्योंकि 10th क्लास में जो है आपने राजस्थान जीके की जो बुक पढ़ी है वहाँ आपको ये मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपने जो चैप्टर जो है वो पढ़ने हैं। आरबीएससी की बुक में जो है वो बहुत अच्छे से डिटेल में दिया है। फैक्ट जो है वो आपको आरबीएससी में भरपूर मिलेंगे और आपका एग्जाम जो है वो इन्हीं बुक से क्लियर होगा। ठीक है, अब बिल्कुल भी ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि एनसीईआरटी राजस्थान जीके की जो बुक है वो आपको पढ़नी ही है। आरबीएससी की जो पुरानी बुक है वो आपको पढ़नी ही है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान की क्लास 8 की पाठ्य पुस्तक, तो ये 8th क्लास का है, इतिहास का। मुगल साम्राज्य का पतन, 18वीं सदी का भारत, आपको ये चैप्टर याद होना चाहिए। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, आधुनिक भारत में होने वाले वैचारिक परिवर्तन, समाज सुधार, ये भी चैप्टर जो है वो आपके सिलेबस में है। ठीक है, फिर भारत की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजी शासन का क्या प्रभाव पड़ा, तो जो ब्रिटिश नीति जो है, जो कि हमने सिलेबस में देखी, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था, ये आपको पढ़ना होगा। बिल्कुल सिलेबस से ही कंपैरिजन करते हुए चल रही हूँ मैं कि आप जो है यहाँ कौन कौन से चैप्टर पढ़ोगे। राष्ट्रीय आंदोलन बिल्कुल आपके दिया हुआ है, 1947 तक आपको पढ़ना है, आज़ादी का बाद का जो भारत है वह भी, और इसके बाद हमारे गौरव। तो ये जो है आप ना भी पढ़े तो कोई बात नहीं, क्योंकि राजस्थान जीके में जो है ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ ये चैप्टर जो है वो आपके इतिहास के रहेंगे, क्लास 8 के। ये बुक आपकी सामाजिक विज्ञान क्लास 9 की है। चलिए इसमें चैप्टर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर है, विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। तो यहाँ पर केवल आपके टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें बाकी सभ्यताएं भी हैं, मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन जो है वो आपके मिस्र की सभ्यता से संबंधित भी आपके एग्जाम में आ गया था। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वही आपके सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन कई बार क्या होता है आसपास की सभ्यताएं जो है वहां से भी प्रश्न जो है वो एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने बहुत अच्छे से जो है आपके क्वेश्चन आंसर चैप्टर के करवाए हैं 9th क्लास आरबीएससी के, और जिन बच्चों ने पीडीएफ ले ली है तो उनको पता है। और सेकंड जो चैप्टर है, विश्व के प्रमुख दार्शनिक चिंतन, तो यहाँ आपके बौद्ध, जैन धर्म, ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद देखिए प्राचीन भारत और विश्व, तो यहाँ पर आधा चैप्टर जो है वो आपको याद करना होगा। सामाजिक सुधार और धार्मिक पुनर्जागरण, सिलेबस में बिल्कुल ये टॉपिक आपके दिया हुआ है बहुत अच्छे से, जिसमें आपके जितने भी सामाजिक सुधारक जो हुए हैं, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, सभी इसमें आ जाएंगे। चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करना है। 5th चैप्टर देखिए, विश्व की प्रमुख घटनाएं, ये आपको नहीं करना है, क्योंकि आपके विश्व की घटनाओं से संबंधित कोई भी सिलेबस में नहीं है पॉइंट। भारत में राष्ट्रीयता, तो ये आपको पढ़नी होगी। भारत के, सॉरी, राजस्थान के गौरव, ये आप ना पढ़ें, क्योंकि राजस्थान जीके में वहां पहुंच गया है ये। ठीक है, भारत में राजनीतिक विकास, तो 1947 तक जो है यहाँ पर आएगा आपके। फिर देखिए पॉलिटी का एक चैप्टर है, भारत का संविधान, ये भी आपको पढ़ना होगा। स्थानीय स्वशासन, जहाँ पर पंचायती राज और नगरीय स्वशासन जो है वो भी आपके यहाँ पर आ गया। वैदेशिक संबंध, यानी विदेशों से क्या संबंध है, तो ये वो पढ़ेंगे बच्चे जो 1st ग्रेड 2nd ग्रेड का देंगे, आपको ये इसको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर ये जो क्रॉस कर दिए हैं इनको आप ना पढ़ें। ठीक है, तो ये जो 3 चैप्टर हैं ये आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से राजस्थान का गौरव जो है ये आपके राजस्थान की जीके में पहुंच गया है, एनसीईआरटी में। भारत का संविधान जो है ये आप पढ़ें, ये आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। स्थानीय स्वशासन जो है आपने यहाँ पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, और कहीं भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक तो आपके सेम रहते हैं हर जगह। चलिए उसके बाद जो है हम 10th क्लास को और देखते हैं। तो ये आपकी सामाजिक विज्ञान की 10वीं की है पुस्तक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की, जो आपके 2021 से पहले चलती थी। एनसीईआरटी की जो बुक है उसके चैप्टर भी मैं आपको भी दिखाऊंगी। सबसे पहले ये देख लीजिए आरबीएससी के, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल आपको स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक बिल्कुल है आपके, जहाँ आपको महाजनपद काल, ठीक है, प्रमुख जनपद राजस्थान के। उसके बाद मौर्य, शुंग, सातवाहन, गुप्तवर्धन, चोल, चालुक्य, पल्लव, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट साम्राज्य, यहाँ पर जो 600 से 1000 ईस्वी जो आपके दिया हुआ है सिलेबस में,
ये देखिए भारत 600 से 1000 ईस्वी, ठीक है, तो ये पूरा ही आ गया। राजनीतिक इतिहास, प्रशासन, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, महाजनपद काल, जैन बौद्ध धर्म, अभी हमने जो भी चैप्टर देखे 8th 9th 10th सभी में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति सभी आ गए, ठीक है, भक्ति सूफी आंदोलन, मुगल राजपूत संबंध, ठीक है, और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, पुनर्जागरण, सामाजिक सुधार, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947। बार बार मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो सके। उसके बाद देखिए ये जो दो पॉइंट हैं या पढ़ेंगे ही, फिर संघर्षकालीन जो भारत है 1206 से 1757 तक का, तो दिल्ली सल्तनत, तो मुगल कालीन भारत ये आपके है, ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये आप ना भी पढ़ें क्योंकि आप राजस्थान जीके में एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर मराठों का इतिहास, विजयनगर बहमनी साम्राज्य, ठीक है, और सिख धर्म का प्रादुर्भाव विकास जिसमें नानक से गुरु गोविंद सिंह तक, ये भी आपके जो है पेपर में आएगा। फिर अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार जिसमें 1757 से लेकर और कहाँ तक है आपके 1947 तक का है पूरा, तो जिसमें सब आ जाएगा, जनजातीय आंदोलन, क्रांतिकारी संगठनों का योगदान, किसान आंदोलन, ये आपके आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक 1947 तक, ठीक है। और उसके बाद राजस्थान के संदर्भ में आप यहाँ पर ना पढ़ें, और जिन बच्चों ने आरबीएससी की यहाँ तैयार कर ली है तो उनको जरूरत ही नहीं है। विश्व का इतिहास आपके है नहीं टॉपिक, ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर यहाँ पर देखिए पॉलिटी जो है, लोकतंत्र है, केंद्र सरकार है, पूरा का पूरा है, संसद है आपकी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, न्यायपालिका, राज्य सरकार के संबंध में है पूरा आपका, ठीक है। ज्योग्राफी देखें आप, जल संसाधन पूरा है, कृषि है, खनिज है, ये आपकी 10th क्लास में है, ठीक है, तो ये जो है आप बहुत अच्छे से देख लिया है आपने। तो अब बताइए मैंने जो भी आपको चैप्टर बताए, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन बौद्ध, महाजनपद काल, पूरा आपने देख लिया चैप्टर्स में, 10th क्लास तक में आपका पूरा सिलेबस आ गया। मौर्य, गुप्त, गुप्तोत्तर काल, यहाँ पर सब कुछ आ गया, ठीक है, बृहत्तर भारत तक, मध्यकाल और आधुनिक काल में आपका पूरा आ गया, भक्ति सूफी आंदोलन, मुगल राजपूत, मुगल प्रशासन। सबसे पहले देखिए सिलेबस ही आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए। भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, 1857 का विद्रोह, भारत के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में, आप राजस्थान जीके की बुक में पढ़ रहे हो, भारतीय अर्थव्यवस्था, ब्रिटिश प्रभाव, हूबहू चैप्टर जो है जो भी आपके दिए हुए हैं आरबीएससी की बुक में, वो आपका पूरा यहाँ पर है, ठीक है। फिर उसके बाद भारतीय संविधान और लोकतंत्र, 10th क्लास में हमने देखा पूरे के पूरे चैप्टर हैं, ठीक है। सरकार का गठन, संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, ठीक है। उसके बाद नगरीय और पंचायती राज, सुशासन है, जिला प्रशासन, न्याय व्यवस्था है, पूरा का पूरा है। ज्योग्राफी आप चाहे एनसीईआरटी बुक से जो नई वाली है उससे पढ़ें, चाहे आरबीएससी की आपसे तैयार है आपकी तो वही सही है, ठीक है। और उसके बाद भारत का भूगोल है, और इसके बाद मैंने आपके ये जो तीन है ये पहले ही बात कर ली थी, और बाकी जो दो ये आपकी यूनिट है शिक्षण विधियों की, तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देखिएगा तो वहां पर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि यहाँ पर 2021-22 के पाठ्य पुस्तक लिखा हुआ है, तो हमने आरबीएससी की बुक पढ़ ली है, तो अब हम क्या करें। उसके बाद देखिए ये है आपकी एनसीईआरटी की, जो कि अभी आपकी स्कूल में चल रही है एनसीईआरटी। अब आप इस चीज को तो समझ गए, एनसीईआरटी और उसके साथ में राजस्थान जीके अभी वर्तमान में चल रही है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको आरबीएससी की दिखाई थी जिसमें आपको ये दोनों ही बुक जो है वो बिल्कुल मिल रही हैं साथ में, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए आरबीएससी, और इसके साथ एनसीईआरटी के साथ में जो राजस्थान जीके है ये इंपॉर्टेंट है। अब इस एनसीईआरटी में आपके लिए क्या खास है, क्या इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए, तो यहाँ देखिए फर्स्ट चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे, आरंभिक मानव की खोज, सेकंड चैप्टर भोजन संग्रह से उत्पादन तक, आरंभिक नगर क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, नए प्रश्न, नए विचार, अशोक एक अनोखा सम्राट, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, व्यापारी राज्य, राजा और तीर्थ यात्री, नए साम्राज्य और राज्य, इमारतें, चित्र और किताबें। अब आप खुद ही बताइए 6 चैप्टर में जो है आपके सिलेबस के लिए यहाँ पर ज्यादा फैक्ट आपको मिल ही नहीं रहे हैं। पूरे ये 1 से लेकर आपके 12 जो चैप्टर हैं, मुश्किल से आपके जो है 50 क्वेश्चन वही निकल के आएंगे 6 क्लास में से, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक जो है इस तरीके से डिजाइन की जाती है जहां पर बच्चों के लिए क्या होते हैं, चित्र अधिक होते हैं, चित्रों के माध्यम से जो है वो बच्चों को इम्प्रेस किया जाता है चीजों के लिए, कैसे वो इसको याद रख सकते हैं। फैक्ट तो आपको आरबीएससी की बुक में ही ज्यादा मिलेंगे। चलिए 7th क्लास जो है उसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ।
नेक्स्ट देखिए एनसीईआरटी की 7th क्लास की जो बुक है उसमें देखिए हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, नए राजा और उनके राज्य, तो ये आपके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान आप पढ़ सकते हैं, मुगल साम्राज्य तो आरबीएससी की बुक में तो डिटेल में है, प्रशासन वगैरह सब, शासक और इमारतें, नगर, व्यापारी और शिल्पीजन, तो यहाँ से तो आपके क्या आएगा एग्जाम में, जनजातीय, खानाबदोश, एक जगह बसे हुए समुदाय, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ईश्वर से अनुराग। ठीक है, क्षेत्रीय संस्कृतियों का कैसे निर्माण हुआ 18वीं शताब्दी में, नए राजनीतिक संगठन, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आपके लिए रहता है। तो ये जो चैप्टर है ये आप पढ़ सकते हैं 7th क्लास में। तो यहाँ पर अभी भी जो है केवल यही समझ में आया, दिल्ली के सुल्तान और मुगल साम्राज्य जो है, ये दो चैप्टर जो हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, और 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक संगठन जो है वो, राजनीतिक संगठन कौन कौन से हुए, तो ये आपके जो है सिलेबस में मिलता है। ठीक है, तो देख लीजिए आरबीएससी की और एनसीईआरटी में जो है वो आपके क्या अंतर है। चलिए नेक्स्ट 8th जो क्लास है उसके चैप्टर देखते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की 8th क्लास है, फर्स्ट चैप्टर है कैसे, कब और कहाँ व्यापारी से साम्राज्य तक कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि भारत में आई थी उसने कैसे जो है सत्ता स्थापित की, तो वो इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, आदिवासी दीकू और स्वर्ग युग की कल्पना, तो ये आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट नहीं रहता है एग्जाम के लिए। जब जनता बगावत करती है यानी 1857 की क्रांति और उसके बाद, ठीक है ये आपके लिए सही है। उपनिवेशवाद और शहर, तो ये जो है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए सही है। तो यहाँ पर आपके जो है चार चैप्टर जो हैं वो आपको पढ़ने होंगे 8th क्लास में, एनसीईआरटी जो बुक पढ़ने वाले हैं वो बच्चे। ठीक है, चलिए 9th क्लास के चैप्टर देखें। अब यहाँ देखिए जो इतिहास है आपका 9th क्लास का, जिसमें सबसे पहला जो खंड है जिसमें फ्रांसीसी क्रांति है आपको नहीं पढ़नी है, यूरोप में समाजवाद, रूसी क्रांति आपको नहीं पढ़नी है, नाथसीवाद और हिटलर का उदय आपके टॉपिक नहीं है। ठीक है, उसके बाद खंड जो दो है जिसमें वन्य समाज और उपनिवेशवाद, आधुनिक विश्व में चरवाहे, किसान और काश्तकार, तो आप सोचिए इसमें से जो है वो आप कौन सा पढ़ेंगे चैप्टर। ठीक है, रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति, जिसमें क्रिकेट की कहानी है, पहनावे का सामाजिक इतिहास और आभार है, तो ये भी चैप्टर जो कि आपके सिलेबस से बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं कि यहाँ से आप पढ़ोगे 9th क्लास में, आपके एक भी चैप्टर मुझे नहीं लगता है कि आपके सिलेबस के लिए है। ठीक है, बाकी आप सेकेंड ग्रेड की फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ आपके जो ये खंड एक है तो ये आपके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद देखिए 10th क्लास की जो इतिहास की आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, तो उसमें चैप्टर देखें सबसे पहले है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, फिर देखिए भूमंडलीकृत विश्व का बनना, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ये वाला चैप्टर आपके लिए। ठीक है, उद्योगीकरण का युग, फिर देखिए थर्ड जो खंड है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, तो ये आपके जो है 10th क्लास के चैप्टर हैं जिसमें आपका जो थर्ड जो ये चैप्टर है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है ज्योग्राफी की दृष्टि से। ठीक है, तो ये मैंने आपको एनसीईआरटी के सभी चैप्टर दिखा दिए, आरबीएससी के मैंने आपको सभी चैप्टर दिखा दिए। चलिए एक बार दोबारा से सिलेबस को हम देखते हैं। तो देखिए वीडियो जो है वो काफी बड़ा हो गया है, लेकिन आपके डाउट जो है वो भी क्लियर करने थे, क्योंकि बार बार जो है यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम जो है एनसीईआरटी पढ़ें या आरबीएससी पढ़ें। तो मैंने जितने भी आपको चैप्टर दिखाए हैं आरबीएससी के, और देखिए दोबारा से इस चीज को जानिए, पहले जो बुक चल रही थी वो उसको हम कहते थे आरबीएससी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक। ठीक है, और अब जो वर्तमान में चल रही है वो बुक है आपकी एनसीईआरटी, और इसके साथ में राजस्थान जीके की जो बुक है वो आपके चल रही है। ठीक है, तो एक बार फिर से जो है आपको अंतर मैं बता देती हूँ, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है जिसकी पीडीएफ आप लोगों ने ली है, जो आपने पहले याद किए थे 2021 में जो आपने एग्जाम दिया था, तो वो आपके पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर इसी बुक्स में से आया था। ठीक है, बिल्कुल इसी में से आया था, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं गया था, और सिलेबस जो है वो यही था पहले भी, बस एक पॉइंट जो आपका बीमा और बैंकिंग का है वो आपका यहाँ से यूनिट हटा दी गई है, और पूरा का पूरा सिलेबस आपके वही रहता है। फिर जो अब जो चल रही है एनसीईआरटी की बुक और इसके साथ में राजस्थान जीके की, राजस्थान जीके की जो बुक है जिसको मैं बार बार बोलती हूँ आरबीएससी की, क्योंकि इसमें राजस्थान का इतिहास है, भूगोल है, और आपके इसमें पॉलिटी भी है।
ठीक है, इसीलिए ये बुक जो है वो मैंने स्टार्ट की थी और आपको ये पूरी पढ़ा दी है। 10th क्लास आपकी चल रही है, इंपॉर्टेंट है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, सेकंड ग्रेड की करो, रीट की करो, थर्ड ग्रेड की जो भर्ती एग्जाम है उसकी करो, ये बुक से आप बच नहीं सकते हो, क्योंकि हर कंपटीशन एग्जाम में अब राजस्थान का जीके जो है वो आपसे और भी ज्यादा, पहले से भी ज्यादा जो है वो आप पूछा जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने RBSC पढ़ ली है तो ये जो राजस्थान जीके जो है वो इसी में सम्मिलित था, पहले इसी में था, इसी बुक्स के जो है दो भाग इन्होंने कर दिए हैं, एक NCERT और दूसरा राजस्थान जीके। ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बुक्स जो है वो दोनों समान ही हैं, लेकिन ये जो बुक है आपकी NCERT, यदि हम इसमें चैप्टर देखते हैं जो कि राजस्थान जीके से अलग हो गई है ये बुक, तो इसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक नहीं मिलते हैं। सारी आप 10th क्लास तक आप पढ़ोगे तब जाके आपको ये महसूस होगा कि हमारी जो RBSC की बुक थी वही अच्छी थी, फैक्ट तो हमें यहीं पर मिलने हैं और यहीं से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। NCERT आप पूरी पढ़ डालोगे फिर भी आपके कम से कम 1 या 1,500 जो है क्वेश्चन आपके 6 से 10 तक के निकलेंगे। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट था वही मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। जिन लोगों को भरोसा है कि पूरा सिलेबस जिसमें 60 में से आपके 57-58 मार्क्स तक आपके आ सकते हैं, तो हमको फॉलो करें, हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो आता है सबसे पहले आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो RBSC की जो बुक आप लोगों ने पढ़ ली है तो उसी को आप बार बार रिवाइज करें, उसकी PDF आपके हाथों में है, एग्जाम के टाइम में रिविजन जो है उसकी अच्छे से करें। ठीक है, और NCERT जो है यदि आपको नहीं पढ़नी है आप ना पढ़ें, और राजस्थान जीके की ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको करवा दी है। यूट्यूब पे आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट जो है वहाँ पर आपको सभी चैप्टर मिल जाएंगे, जो 3 यूनिट आपकी पूरी की पूरी कवर होती है इसी बुक से। इसके अलावा सेकंड ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको ये पढ़नी है। ठीक है, और आपका जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम होगा वहाँ पर भी राजस्थान का जीके आपने देखा कि बहुत ज़्यादा जो है उसमें ऐड कर दिया गया है, और लेवल जो आपके लेवल 1 है तो उसमें आप देखते हैं कि 90 मार्क्स तक जो है वो राजस्थान जीके है। इसके अलावा 70 मार्क्स जो है वो आपके लेवल 2 के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, 80 मार्क्स का जो आपके सेकेंड ग्रेड में आपके पूछा जाता है, तो समझिए इसका महत्व कितना ज्यादा है। पुस्तकें बदलने से कोई भी फायदा नहीं होता है, बार बार रिवीजन करने से ही आपको फायदा मिलेगा। जो भी आप पहले पढ़ चुके हैं उसी को बार बार रिवाइज करिए, और ये जो बुक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी बुक पढ़ें, RBSC पढ़ें या NCERT पढ़ें, तो ये डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया है। जिन्होंने RBSC पढ़ ली है तो वो राजस्थान जीके की जो अभी चल रही है बुक इसको साथ में और ऐड कर लें, आपका सिलेबस जो है वो पूरा कवर होगा, मार्क्स आपके बहुत अच्छे आएंगे। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने RBSC बिल्कुल भी टच नहीं की है, वो बच्चे NCERT और राजस्थान जीके की बुक पढ़ सकते हैं। NCERT में फिर भी मैं यही कहूंगी फैक्ट जो है वो आपको यहाँ नहीं मिलते हैं। आप CTET की तैयारी करते हो, आप KVS की करते हो, DSSSB की करते हो, तब आप NCERT बुक जो है उसको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहां पर जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो आते हैं कंसेप्ट बेस्ड। ठीक है, वहां आप ये कर सकते हो, लेकिन RBSC की बुक जो है वो इसलिए बोलती हूँ इम्पोर्टेंट है क्योंकि राजस्थान में जो भी एग्जाम होते हैं तो वहां पर आपके फैक्ट ही पूछे जाते हैं कि किसकी स्थापना जो है किसने की थी, कब हुई थी, ठीक है, वो आंदोलन जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था। इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आते हुए अभी तक आए हैं और आगे भी ऐसे ही आएंगे, तो इम्पोर्टेंट रहता है RBSC बुक जो है वो आप पढ़ें। और YouTube चैनल पर आप देखें बहुत सारी RBSC की बुक जो है वो सभी ने पढ़ाई हुई है, वहाँ आप चेक कर सकते हो। हमारे चैनल से जो है वो आप कैसे तैयारी करोगे, सबसे पहली बात RBSC की पूरे के पूरे 6 से 10 तक की जो PDF है वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है, सभी बच्चों ने ले ली है। ठीक है, रिवीजन भी जो है पहले भी की थी और वही आपको दोबारा नहीं खरीदनी है, वही आपको रिवाइज करनी है। साथ में राजस्थान जीके की जो आपके नोट्स हैं इनको आप तैयार कर लें। ठीक है, और इसके अलावा सेकंड ग्रेड की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनको RBSC की जो बुक है इसके जो PDF है वो हमने साथ में ही दे दिए हैं, ताकि आप जो भी तैयारी करो, चाहे रीट की तैयारी करो, चाहे और भी कंपटीशन की तैयारी करो, तो वहाँ आपका कवर होता रहे। ठीक है, सेकंड ग्रेड के साथ साथ RBSC की जो नोट्स हैं, इसके अलावा साथ में राजस्थान जीके के जो नोट्स हैं वो भी मैंने आपको साथ में ही दिए हैं। दोबारा आपको जो है कोई भी पैसा जो है वो खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी है। और इसके बाद भी अगर आप इन बुक्स को नहीं पढ़ रहे हैं तो आप
ये समझिए कि आप एग्ज़ाम जो है उसको अच्छे से क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, इतनी सारी बुक्स जो हैं, सिक्स पढ़ो, सेवन सेवन पढ़ो, एट्थ नाइन्थ टेंथ पढ़ो, फिर राजस्थान की जीके की पढ़ो, सिक्स से टेंथ तक की। इससे तो अच्छा है कि हम एक गाइड खरीद लेंगे और उसी से तैयारी कर लेंगे। तो बिल्कुल आपका जो है ना तो सिलेबस कवर होगा उससे, ना ही आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। क्योंकि बहुत लोगों ने कहा होगा कि अंत में एक गाइड खरीद लो, इन बुक्स को पढ़ने के बाद भी अंत में गाइड खरीद लो। आप एक बात बताओ, इन बुक्स को पढ़ने के बाद जो है आपके पास क्या इतना टाइम रहता है कि आप लोग इसकी भी रिवीजन करोगे और एक गाइड की, गाइड जो है उसको भी पढ़ोगे, उसकी भी रिवीजन करोगे? तो गाइड तो आपको खरीदनी ही नहीं है, वो आपको कंफ्यूज करेगी। आपको यही बुक खरीदनी है। इन्हीं बुक्स के आप पीडीएफ ना लें, यूट्यूब पे ना पढ़ें, मार्केट से ये बुक्स जो है सिक्स से टेंथ तक की खरीदें, आरबीएससी की और राजस्थान जीके की। इसको खरीदें, इसके नोट्स तैयार करें और एग्जाम टाइम में उन्हीं को बार बार पढ़ें। इसके अलावा कुछ भी ना पढ़ें। आपने पहले से ही तैयार कर रखे हैं नोट्स, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उनको ही पढ़ना है। ना ही कोई कोर्स खरीदना है, हमारा भी नहीं खरीदना है, किसी का भी नहीं खरीदना है, यदि आपके पास पहले से ही नोट्स हैं, ठीक है। जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको टाइम इसलिए लगता है, किसी भी कंपटीशन की तैयारी आप करते हैं, एग्जाम को क्लियर करने में टाइम क्यों लगता है? क्योंकि आप हर साल नया कोर्स खरीदते हो, पैसे खर्च करते हो, नई बुक्स जो भी मार्केट में आ जाती हैं उनको आप खरीदने लग जाते हो। बिल्कुल नहीं खरीदना है, जो भी आपके पास मैटर है उसी को आपको पढ़ना है और उसी को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। और हमारी जो चैनल से जो तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर ये जानिए कि आपको बुक पढ़ने की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। सिक्स से टेंथ तक की जो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ रूप में आपको मिलते हैं, तो वो इस तरीके से तैयार किए गए हैं कि आप कोई भी चैप्टर मत पढ़िए, केवल उन क्वेश्चन आंसर को करिए। पूरा चैप्टर कवर करते हैं सिक्स से टेंथ तक की सभी बुक्स का। तो मैंने आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर कर दिए होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आगे से आप जो है ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि आरबीएससी पढ़ें या एनसीईआरटी पढ़ें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।